आज की पुस्तक किसी परिचय की मोहताज तो नहीं, मगर इसके विषय में जब बार बार बात की जाती है तब इसे और ज्यादा जानने का अवसर मिलता है। वैसे तो इसकी लेखिका एक बेहद खूबसूरत इंसान है, उनकी बातें प्रेरक और व्यक्तित्व प्रेरणा स्वरूप है। अंग्रेजी में लिखी पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी बेस्ट सेलर रहा है और यकीन मानिए इसके बगैर आपकी पुस्तक संग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खाली ही रहेगा। और मैं बात कर रही हूँ 3000 टांके की, जिसकी लेखिका है सुधा मूर्ति और हिंदी में अनुवाद किया है रमा शंकर सिंह ने। स्त्री विमर्श और उनकी अपनी परिस्थितियों पर यह पुस्तक कहानियों की वो कड़ी है जिसे पढ़कर आप उन पहलुओं से रूबरू होंगे जिन पर बातें तो खूब हुई हैं, मगर कभी इस तथ्य परक सत्य घटनाओं का जिक्र कम ही मिला है। कहानियां हैं पुस्तक में, पहला ही है 3000 टांके, जो कि देवदासियों के जीवन, उनके बच्चों, उनकी शिक्षा के माध्यम से किस तरह उनकी जागरूकता पर लेखिका बात करती नजर आती हैं। ये पढ़ना दिलचस्प होगा। दूसरी कहानी है लड़कों को कैसे परास्त करें, जिसमें एक अकेली लड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने से लेकर पहली कक्षा में उपस्थिति पर 149 आंखों का केंद्र बिंदु बनना तक। ये कहानी तो है, पर विचार हेतु भोजन, त्रयांजलि नीर, कैटल क्लास जैसी दिलचस्प कहानियां भी इस पुस्तक का हिस्सा हैं। एक अलिखित जीवन, रासलीला एवं स्विमिंग पूल, इंफोसिस फाउंडेशन में एक दिन और पुस्तक की आखिरी कहानी मैं नहीं हम कर सकते हैं कि प्रेरणा आपको इस पुस्तक का मुरीद बना देगी। तो मेरी बात मानते हुए इस पुस्तक एक इंजीनियरिंग विश्व के जाने माने संस्थान की अध्यक्षा के इस साहित्य को, जो कि आपके अपने जीवन के आसपास की लगने वाली कहानियों के संग्रह को अभी ऑर्डर कर दें और साथ ही मुझे दें अनुमति इसी वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल और करेंगे हमारा इंतजार। नमस्कार।